अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने गांव के सैर। और ये देखें इधर, ये देखें इधर मूलियाँ लगी हुई हैं और ये इधर लहसुन लगा हुआ है जो कि अभी छोटा छोटा है, नज़र भी नहीं आ रहा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो उधर धनिया लगा हुआ है, ये भी लहसुन की क्यारी है। और इधर लगी हुई है पालक, अभी ये भी छोटी छोटी है। इधर भी धनिया है और ये जो है इधर, ये सारे लहसुन के ही लगे हुए हैं। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है किन्नू का दरख्त, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन किन्नू तो बिल्कुल भी नहीं लगे हुए इस पर। और इधर भी मूलियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब के मूलियाँ बस बड़ी हो रही हैं। और उधर भी लहसुन के हैं, वो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है दरख्त, और ये है सुहांजने का दरख्त, और ये देखें ये भी है। ये देखें पौधों को, सब्जियों को पानी लग रहा है। और ये हैं आगे नीम के दरख्त और लोगों के घर हैं पीछे, ये देखते जाएं आप, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ना मैं कभी आई नहीं हूँ गांव में, इधर घूमने के लिए कभी भी नहीं आई। वो नाज की दुनिया मेरे घर आई हुई है, मेरी कज़न है, उसका भी चैनल है। चलो मैं, वो कह रही थी मैंने सैर करनी है गांव की, चलो मैंने कहा उसको भी सैर करवाते हैं। और मैं ख़ुद भी देख के आती हूँ अपने गांव में क्या क्या दरख्त हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और ये हैं कद्दू के फूल, अब मैं आपको कद्दू भी दिखाती हूँ। ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, और ये है कपास, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं कपास, खिली खिली, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। और ये सारी कपास के ही हैं पौधे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कच्चे घर लोगों के, और भैंसे दिखाऊंगी। और ये है छोटी सी मेमी, कितनी प्यारी लग रही है विवर्स, और कितनी मासूम है, ये खा अपनी खुराक खाना शुरू कर रही है, ये देखें। अब मैं आगे आपको और भी दिखाती हूँ, वो देखें ये देखें, ये भी कलरफुल मेमी है, बहुत प्यारी लग रही है। ये है क्या कहते हैं इसको, ये है गायें, ये है गायें। और वो है सामने भैंसें, ये भैंसे हैं, वो देखो वो भी सामने भैंसी है खड़ी। और ये हैं उनके बच्चे, ये है भैंस का और ये है गाय का। और ये देखे गांव में इन लोगों ने, जो पंजाबी में कहते हैं पाथियां, उन्होंने बना के रखी हुई हैं। और ये देखें व्यूअर्स, इधर भी हैं, ये पालक लगी हुई है और मूलियाँ लगी हुई हैं। और ये देखें इधर भी पालक है और धनिया वगैरह लगाया हुआ लोगों ने, और मूलियाँ हैं। गांव में ना सबने अपने घरों के आगे जो भी जगह बची होती है ना, उन लोगों ने अपने लिए कुछ ना कुछ लगाया ही होता है, अपने सब्जियाँ वगैरह ना लगी होती हैं। वो देखो सामने भी कपास है, दरख्त है, नीम के हैं, आम के हैं, और ये है जामुन का दरख्त, और ये भी, ये मैंगो के दरख्त हैं। अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और ये देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने गांव में पहली दफ़ा आई हूँ इस एरिया में, मेरा जो एरिया है वो शहर टाइप है, और लेकिन ये एरिया जो है ना गांव, बिल्कुल गांव की टाइप है ये।
इधर गैस नहीं, गैस की सहूलत नहीं है, पानी वगैरह की कोई सहूलत नहीं है। पानी की सहूलत है, नलके वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने। मैं आपको नलका दिखाती हूँ अब। और ये देखें इन लोगों की चारपाई, ये देखें कितनी बड़ी है चारपाई। देखें ज़ैफ़ा हमज़ा मुझे तंग कर रहे हैं। ये देखें मेरा बेटा नलके को चला के देख रहा है, ये चलता भी है कि नहीं। पर इनको ये नहीं पता नलका चलाने में ज़ोर कितना लगता है। ज़ोर ज़ोर लगाओगे तो फिर चलेगा बेटा, ये अभी से नहीं चलेगा। और ये देखें मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, ये है जामुन का दरख्त और ये है मैंगो का दरख्त, ये है किन्नू का दरख्त, लेकिन लगा किसी पे भी नहीं कुछ आए। और ये देखें व्यूअर्स, ये भी पता नहीं किस चीज़ का है, मुझे अब कुछ आइडिया नहीं है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्या लगा हुआ है इस पर और क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और ये मैंने दूर से बनाई है, ये है बकरियाँ हैं सामने जो के चर रही हैं। और ये सामने आपको नज़र आ रही है ट्रॉली वगैरह भी है इधर। और अच्छा, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।